भाई सुनो, एक बार राजा घोड़ी लिया या घोड़ी लिया था भाई, घोड़ी थी महंगी, तो अपने सैनिक का दिया आदेश दिया भाई घोड़ी की जो है संभालता ही कोई जागू मानस ले आओ। तो भाई सैनिक से ले गए, तो भाई टो लिया एक मानस, टो लिया तो उसका नाम मैं जागू भाई, लिया ये पकड़ लिया, पकड़ लिया था भाई घोड़ी का रखवाली छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो भाई रात ने जो है महाराज संभालन ती पहुंचे, अब भाई घोड़ी ने संभाले, रोमानस ने देखा किसे साहब किताब का है कि सौदा से, तो जाके बोला रे जागू, को नहीं बोलिया शेर का बच्चा भाई सुन रहा करया, बोला रे जागू, नहीं बोलिया, बोला रे ओ बे जागू, बोले हाँ महाराज, बोले सोवे था कि, बोले ना महाराज मैं तो न्यू सोच विचार कर रहा था, अब जो या घोड़ी बांध रखी है ने इसके खुट्टा गए, ये खुट्टा के नीचे की जमीन कित गई, बोले अच्छा, बोले हाँ महाराज, चलो भाई महाराज चले आ गया भाई राजा, फिर संभाल गया ने चले आ गया था। 2-1 घंटा पास राजा फिर आया, मारी राजा ने आवाज, बोले राजा गु, को नहीं बोले जागू, तो भाई फिर सुत्या, बोले अरे जागू, नहीं बोलिया, बोले रहा ओ बे जागू, बोले हाँ महाराज, बोले सोया था कि, बोले ना महाराज मैं तो न्यू सोच विचार कर रहा था, अक ऊंट का पेट में मींगने कौन गड़े से, बोले अच्छा, बोले हाँ महाराज। तो भाई राजा फिर चले गया भाई, जाए कर रहा राजा नाराम, चले गया था भाई जागू की फिर नींद आएगी, सो गया पड़के ने, सो गया था भाई रात ने, सो रहेगी चोर आएगी और घोड़ी खोल लेगी, खोल लेगी। तो भाई तड़का उ 4 बजे जागू की आंख उगड़ी, देख तो ठाण पे घोड़ी दे कोई ने आए, जागू का पसीने भाई किसी नींद आवे थी, अगली बार राजा काटा का तने गिर के ने। तो भाई जागू शेड देने नगरी तो बाहर लकड़ गया, बाहर लकड़िया तो भाई देखा उन्हें एक खरगोश मिल गया, तड़के तड़के खरगोश आंडे, खरगोश दिख गया, वो पकड़ लिया, पकड़ लिया भाई ले आया और घोड़ी का ठाण के ऊपर बैठा लिया, एक हाथ पकड़ लिया और एक हाथ नहीं पुचकार है उसने भाई, पुचकार है। तो 1-1.5 घंटा पास राजा आया, देखे तब लरा जागू घोड़ी कित गई, बोले के बताऊं महाराज, सारी रात गई घोड़ी के ऊपर हाथ फेरती फेरती, या तो घसके ओढ़ होगी,